और वहीं आगे बढ़ते हुए देखिए, मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि यदि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो बीजेपी 12 से 0 पर आ जाती। साथ ही बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसके सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने हमला करते हुए कहा कि इसी बड़बोलेपन के कारण अश्विनी चौबे को संगठन ने साइड कर दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सपना था वह साकार होने जा रहा है, और जितने भी बिहार में खाली पद हैं सबको भरे जाएंगे सरकारी स्तर पर। 10-12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10-12 लाख बेरोजगार युवाओं के रोजगार दी जाएगी, और उसी के संदर्भ में मैं आपके जिला के प्रभारी मंत्री के नाते पहले आप सभी नौजवान पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी जिज्ञासा से पहली बार आपके बीच में आए, आप पूछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो विचार है, नीतीश कुमार एक विचार है, मुख्यमंत्री नाम तो है लेकिन विचार, जिसे कर्पूरी ठाकुर विचार थे, महात्मा गांधी विचार थे, उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विचार है।